तो यार इस व्लॉग में देखो 10:15 के धक्की बाकी मोम हंस रही है। दोनों चलने को छोड़े नहीं, जो मुझे करना है वो मुझे करने दे, मुझे इन लोगों से डील करना आता है। मुझे क्या करना है फटाफट ही करना। मैं इसको जानता हूँ, ये रजब है, इसने इसको मैंने इतनी सी बात की थी छोटी सी मजाक में। वेलकम बैक दोस्तों। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में इन दोनों की वो गलतियां पकड़ने वाले हैं, बल्कि हम लोगों ने नहीं पकड़नी, वो मैं ऑलरेडी पकड़ चुका हूँ, बस आप लोगों को दिखाना है। तो आज इस वीडियो में हम डक्की भाई और रजब कट के मुनीत के किडनैप करने वाले प्रैंक या स्क्रिप्टेड प्रैंक। तो अभी तक इन दोनों ने ये रिवील नहीं किया कि रजब भट्ट डक्की भाई के साथ प्रैंक, डक्की भाई रजब भट्ट मिलकर अपने फैमिली के साथ प्रैंक कर रहे, सारे मिलकर हमारे साथ प्रैंक कर रहे हैं। लेकिन तुम लोग को मिलते हैं अगले व्लॉग में। इसका अपडेट ना किया हमारे सॉफ्टवेयर पे, तुम लोग पूछ सकते हो। दोस्तों अभी तक इस वीडियो का एक ही पार्ट आया तो, और इस वीडियो में इन दोनों को इतनी गलतियां थी कि मेरे से ये वीडियो बनाने के लिए सबर ही नहीं हो रहा था। या तो इस मुनीत से इतने सारे यूट्यूबर कॉन्टेंट निकाले तो मैंने भी सोचा एक अदर कॉन्टेंट मैं भी निकाल दूँ। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। चलो बारन, हम इस वीडियो को प्रैंक तो नहीं कह सकते, व्लॉग का ही नाम इसको दे दे। तो दोस्तों जिन लोगों को नहीं पता कि सारा मुद्दा क्या है, डक्की भाई ने अपने व्लॉग में रजब भट्ट को थोड़ा सा रोस्ट किया था। चलो जी कैमरा हमारा सेट हो गया जी। यार फॉर्च्यूनर की जगह प्राडो क्यों नहीं ले लेते आप? उसके लिए 40-50 मिनट का व्लॉग बनाना पड़ेगा, इतना वेला नहीं मैं। पहले तो ये बात रफा दफा हो चुकी थी, फिर इन दोनों ने सोचा क्योंकि इस बात में कॉन्टेंट ही नहीं निकाल दिया जाए। दोस्तों आज की वीडियो में मेरा मतलब इन दोनों का रोस्ट बिल्कुल ही नहीं है, एक छोटे से रोस्ट से बात ही शुरू हो गई। ऐसा नहीं हो कल ये मुझे उठाना ले लो। क्या बात करते हैं यार? अगर नहीं दोस्तों नहीं, ये मुझे उठा ही नहीं लगे क्योंकि इससे व्यूज मुझे ही मिलेगा, इन लोगों को तो फायदा होगा ही नहीं। दोस्तों मेरा मकसद इन दोनों को रोस्ट करना ही नहीं है, मेरा मकसद एक नेक मकसद है। तो दोस्तों मेरा मकसद ये है, मैं इन लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस व्लॉग में इन लोगों ने कौन कौन से गलतियां की हैं, ताकि इस गलतियां से सीखे और नेक्स्ट टाइम ये गलतियां ना करें, ताकि नेक्स्ट टाइम मुझे और आप लोगों को हम दोनों को देखने में और ही ज्यादा मजा। मैं तो तेरे को हराम ही समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुष निकला। तो दोस्तों बहस बहुत हो गई, अब वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी बात। तो यार इस व्लॉग में देखो 10:15 के धक्की बाकी मोम हंस रही है। दोनों चलने को छोड़े नहीं, जो मुझे करना है वो मुझे करने दे, मुझे इन लोगों से डील करना आता है। मुझे क्या करना है फटाफट ही करना। मैं इसको जानता हूँ, ये रजब है, इसने इसको मैंने इतनी सी बात की थी छोटी सी मजाक में। और ये टाइम में आप लोगों को क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि इस वक्त मुनीत की किडनैपिंग पीक पे थी। लोग मिलके नहीं रहते, हर एक से लड़ाई, हर एक से लड़ाई। ये कुछ स्टार्टिंग वाला सीन नहीं है, मुनीत की किडनैपिंग के बाद वाला सीन है। बाकी हैरान करने वाली बात ये रहा कि डक्की भाई अपना वीडियो एडिट कर रहा था तो उसको ये पता नहीं कि मेरे मोम पीछे से हंस रही है। अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि डक्की भाई आपको एक एडिटर रखना चाहिए। खैर दोस्तों ये कोई बड़ी बात नहीं है, आगे आगे चलते चलते मैं इन लोगों को और बड़ी गलतियां दिखाता हूँ आप लोगों को, आइए देखते हैं मजाक। तो दोस्तों अभी भी मेरे को एक नया बात पता चल गई है, डक्की भाई ने वो सीन ट्रिम कर दिया जहाँ पर उसकी मोम हंस रही थी। भरोसा हुआ भाई, वो एडिटर वाला बात निकल ही आया, वो स्माइल वाला सीन यूट्यूब में तो ट्रिम कर दिया लेकिन फेसबुक में ट्रिम करना भूल ही गया। तो दोस्तों अभी आप लोग जाओ डक्की भाई को बता दो यार फेसबुक में भी वो सीन ट्रिम कर दो। 3:24 में डक्की भाई ने जब फ्रिज खोली वहाँ पर दूध फड़ा था। कुछ मजे का बताया यार अम्मा, क्या इसमें फ्रिज के अंदर भी अम्मा आपने बेकार बेकार चीजें रखी हुई है, क्या फ्रिज नहीं खोलना, मैं बंद करो। डक्की भाई ने आम निकालने के लिए फ्रिज खोला था तब भी वहाँ पर दूध पड़ा था। आम का मिल्कशेक होना चाहिए आज। तो ये कैसे कह सकता था कि दूध खत्म हो गया, लेकिन फिर भी मुनीत को दूध लेने भेज दिया क्योंकि बाहर से रजब भट्ट आया था कि मुनीत को किडनैप करके लेके जाए। सो गाइस बस वीडियो को यहीं से करते हैं फुल स्टॉप, और बाकी आप लोगों का अगर पार्ट टू चाहिए तो कमेंट में जरूर बता देना। तो पार्ट टू में भी मैं इन लोगों के बड़े बड़े गलतियां बताऊंगा, और ऐसा बात नहीं है कि इसके गलतियां खत्म हो गए, वीडियो अभी भी बहुत पड़ा हुआ है, गलतियां इसके बहुत पड़े हैं। अगर पार्ट टू चाहिए तो कमेंट जरूर कर देना, तो पार्ट टू इंशाल्लाह बनाएंगे बहुत जल्दी।